बैमुला मौत मामले में सदर रिपोर्ट दाखिल की गई और उसमें बताया गया है कि सांसद जो बंडारू लेकर रखते हैं उसके साथ में स्मृति ईरानी का भी नाम था, सभी को प्रश्न किया गया। देखिए, ये जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाली राजनीति भारत में नए तरीके से विपक्ष पिछले 7-8 सालों में कर रहा है, उसमें ये भी एक केस बहुत बड़ा उदाहरण था किस तरीके से पूरा विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर रहा था, सत्ता पक्ष के लीडरों को लगातार टारगेट कर रहा था, उनकी इमेज को ख़राब कर रहा था। मुझे लगता है कि माफ़ी तो मांगना ही पड़ेगा, लेकिन इस तरह की राजनीति करके और लगातार उसी कंटिन्यूएशन में राजनीति हो रही है। हम रोहित वैमुला से लेके और डीप फेक वीडियो जो है अमित शाह जी की, उसका भी केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं तेलंगाना रहा है। उसमें आँच वहाँ के मुख्यमंत्री तक पहुँची है, उनको उसमें सफाई देना चाहिए और कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को सार्वजनिक तौर पे आके भारतीय जनता पार्टी के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो इस तरह की लगातार झूठ का जो प्रचार करते हैं, इससे राजनीति में उन्हें कभी कोई फायदा नहीं होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बायनॉट लोकसभा सीट से सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा का बयान आया। उन्होंने कहा कि हमारे लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, वह उस लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यह वायनाड के मतदाताओं के साथ अन्याय है, क्योंकि उन्होंने वायनाड के मतदाताओं को कभी नहीं बताया कि वे दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं। ये राजनीतिक नैतिकता के बारे में बिल्कुल, ये राजनीतिक नैतिकता और शुचिता जो है वो कहीं ना कहीं उसको झकझोर के रख देती है कि आप जहां से चुनाव लड़ते हैं, अगर आपने पहली आपके अंदर हिम्मत होती राहुल गांधी के अंदर वायनाड में बता देते कि मैं चुनाव के बाद मतदान होने के बाद दूसरी सीट से चुनाव लड़ूंगा, तब आप बड़े नेता कहे जाते ना। अगर ये बता देते तो वहाँ पर इनकी जमानत जब्त हो जाती, तो इन्होंने वहाँ की जनता को धोखा दिया है। सीपीआई के जो लीडर हैं एनी राजा, वो सच बात कह रहे हैं। आपसी गठबंधन के लोग हैं, आपसी विचारधारा भी इनकी मिलती है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर इसलिए हमलावर हैं कि वो एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते, एक दूसरे को धोखा देने वाली राजनीति करते। तो ये मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति राहुल गांधी को रास नहीं आने वाली, वो दोनों जगह से चुनाव हार जाएंगे। देखिए, जिनका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, वो नफरत की राजनीति की सबसे बड़े खेती करने वाले इंसान हैं। वो राजनीति में भी बिना धर्म के ना उनकी सुबह होती है, ना शाम होती है, ना रात बीतती है। अगर वो धर्म का तड़का नहीं लगाएंगे तो उनकी राजनीति में या उनके वोट बैंक में बढ़ोतरी नहीं होगी, वो डे बाई डे घटते जा रहे हैं, हताश हैं, निराश हैं। वो हिटलर और यहूदी से मुसलमानों को कंपेयर करना, एक तरीके से मुसलमानों के मुंह पे तमाचा मारना है। मैं तो मुस्लिम कौम से पूछना चाहता हूँ कि आपको इस तरह की बात करके आपके बीच में रह के असदुद्दीन ओवैसी किस तरीके से आप इनसे सवाल नहीं करते। आपको इनसे सवाल करना चाहिए कि बार बार मुस्लिम कौम को क्यों कटघरे में खड़ा करते हैं। हम यहाँ पर पूरे दुनिया में अगर कहीं सबसे ज़्यादा इज्जत मुसलमानों को मिलती है तो वो भारत है। सबसे बेहतरीन सुरक्षा के लिए अगर कोई देश है असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के लिए, तो वो भारत है। सबसे बेहतरीन अगर कोई इंसान है, कोई दोस्त है, कोई बड़ा भाई है, तो वो हिंदू भाई है। ये उनको समझ में जब आ जाएगी, वो नफरत की राजनीति छोड़ देंगे।